दीपावली एक दिया जलेगा इसराइलियों के नाम। भारतीयों से इसराइली राजदूत की मार्मिक अपील। हमास के कब्जे में फंसे इसराइलियों के लिए भारत करेगा प्रार्थना। इसराइल और भारत के बीच में संबंध बहुत घनिष्ठ है, ऐसे कि ये दोनों दोस्त एक दूसरे से नाराज हो सकते हैं लेकिन रिश्ता नहीं तोड़ सकते। भारत के इस युद्ध को लेकर न्यूट्रल रुख पर इसराइल नाराज जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भारत से मुंह मोड़ चुका है, बल्कि अब भी उसे भारत के साथ की आस है। भारत से उम्मीद है कि इस मुश्किल वक्त में भारत उसके साथ खड़ा रहेगा, जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने से पीछे नहीं हटेगा, हमास के कब्जे से इसराइलियों को मुक्त कराने में मदद करेगा। तभी तो भारत में इसराइल के राजदूत ने भारतीयों से एक बहुत ही मार्मिक अपील की है। इसराइली राजदूत ने भारत के एक एक नागरिक से आग्रह किया है कि आतंकी संगठन हमास के पास पिछले करीब एक महीने से जो इसराइली फंसे हुए हैं, जिन्हें हमास ने किडनैप किया हुआ है, अपने कब्जे में लिया हुआ है, उनके लिए भारत में इस शुभ दीपावली पर एक दिया जरूर जलाया जाए। भारत में इसराइल के राजदूत नाओर गेलोन ने सोशल मीडिया के माध्यम से लिखा है, जिस तरह से दिवाली पर भगवान राम की वापसी की खुशी में दिए जलाकर त्योहार मनाया जाता है, वैसे ही हमारे प्रिय लोगों की वापसी की उम्मीद में भी एक दिया जरूर जलाएं। गिलो ने लिखा है, इस दिवाली हम आप भारतीयों को आमंत्रित करते हैं कि हैशटैग दिया ऑफ होप के साथ हमारे प्रियजनों की फोटो टैग करें और उनके नाम का दिया जलाएं। वहीं अब सोशल मीडिया पर गिलोन के समर्थन में लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि हमास के कब्जे में फंसे इसराइलियों के लिए भारत में दिए जरूर जलाए जाएंगे। नरेंद्र मौर्य नाम के यूजर ने लिखा, डेफिनेटली वी विल डू। रौनक लखारा नाम के यूजर ने लिखा, हार्ट इमोजी के साथ वी विल। राम त्यागी हिंदू नाम के यूजर ने लिखा, हम बिल्कुल करेंगे, भगवान राम और बजरंग बली से प्रार्थना करेंगे। होप दे शुड बी यूनाइटेड सून विद देयर फैमिलीज। वी आर विद इजराइल फॉर फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। जय भारत जय इजराइल। सूद कंफ्यूज नाम के यूजर ने लिखा, हैप्पी दिवाली, प्रेइंग फॉर द होस्टेजेस एंड देयर फैमिलीज। इजराइल इज बीइंग टेस्टेड राइट नाउ बट विल इमर्ज विक्टोरियस। वहीं एक और यूजर ने लिखा, हम भारतीय हिंदू इजराइल के साथ थे, साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। श्रीनिवास सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा, दीपावली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जल्द ही इसराइल भी हमास का अंत करेगा। हम सभी राष्ट्रवादी भारतीय इसराइल के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। तो कुछ इस तरह से इसराइली राजदूत की अपील पर भारतीयों ने सब में उनके साथ खड़े होने का आश्वासन दिया है। इसराइली राजदूत के हमास के कब्जे में फंसे इसराइलियों की जल्द मुक्ति के लिए दिए जलाने के आग्रह को मान लिया है, आश्वस्त कर दिया है कि हमास के कब्जे से इसराइली जल्द मुक्त होंगे और भगवान राम और बजरंग बली की कृपा से जल्द स्वस्थ होकर घर वापस लौटेंगे। वैसे आप भी देखिए वीडियो, किस तरह से इजरायली राजदूत ने दीपावली से पहले हमास के कब्जे से इजरायलियों की मुक्ति के लिए एक उम्मीद का दिया जला दिया है। Israel is making every effort to secure their release. Diwali, the festival of light, which is right around the corner, commemorates Lord Ram's return to Ayodhya after defeating the forces of evil. Similarly, just as Lord Ram's return was celebrated by lighting diyas, we invite you all to light a diya with the hope of bringing back home our loved ones who are held hostage and are separated from their families. Let us pray for their safe return and show unwavering support for their loved ones. आपको बता दें, भारत विविधताओं से भरा देश है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की मान्यताएं, यहाँ के लोगों का विश्वास बहुत अलग है। भगवान राम में इन भारतीयों की अटूट श्रद्धा है और दीपावली का त्योहार हमारे देश का मुख्य त्योहार है। माना जाता है कि इस दिन भगवान राम वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे। इस दिन अंधकार के बादल छट गए थे, हर तरफ उजियारा था। इसराइल पर संकट के इन बादलों को छाटने के मकसद से ही इसराइली राजदूत ने आग्रह किया है। इसराइली राजदूत चाहते हैं कि भारतीय मान्यताओं के अनुसार इसराइल पर आई इस विपदा में भारतीय साथ निभाएं और एक दिया उन इसराइलियों के नाम पर भी जलाएं जो हमास के कब्जे में है, जिनके बल पर हमास इसराइल को धमका रहा है, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है।
आपको बता दें, इजराइल की सैन्य खुफिया इकाई और इजरायली सुरक्षा एजेंसियों ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया है कि हमास के कब्जे में 7 अक्टूबर को अगवा किए गए 180 बंधक हैं, वहीं 40 फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के कब्जे में हैं और 20 अन्य इस्लामी समूहों के हिरासत में हैं। हालात बेकाबू होते चले जा रहे हैं। इन बंधकों के बल पर हमास इजराइल से अपनी बातें मनवाना चाहता है, जिसके लिए इजराइल कतई तैयार नहीं है। वैसे जो अपील इजरायली राजदूत ने भारत से की है, भारतीयों से की है, इजरायली नागरिकों के वापस आने के लिए जो एक दिया जलाने का आग्रह उन्होंने किया है, मतलब साफ है कि उन्हें भी भगवान राम में विश्वास है, बजरंग बली में भरोसा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत में इजराइल के राजदूत की भारतीयों से इस अपील पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।